मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज भी वही कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम और मैं इस शादी के बंधन में सिर्फ इसीलिए बंधे क्योंकि हमने एक दूसरे से वादा किया था। नव्या, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी डाउट है इस शादी के बारे में तो प्लीज प्लीज बता दो, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे रस्म के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर, बोलिए ना, कोई बात नहीं। तुमसे एक फेवर चाहिए था नव्या। दरअसल मैं एक मीटिंग के बीच में फंसा हुआ हूँ और मिस्टर सिंगल की मेल नहीं है मेरे पास। क्या तुम मुझे उनकी कलर पैलेट वाली मेल फॉरवर्ड कर सकती हो? जी सर, मैं अभी करती हूँ। ग्रेट, अभी कर देना प्लीज। हाँ। अच्छा हाँ, मेल करने के बाद मुझे SMS भेज देना। जी सर। थैंक्स, बाय। ओके सर, बाय। एक छोटा सा काम कर दोगे? मेरे मेल में ना एक मिस्टर सिंघल का मेल है, वो अमर सर को मेल करना है। और सुनो, ये फोन भी ले जाना, जैसे ही मेल कर दोगे ना तो अमर सर को एक मैसेज कर देना। ओके। अर्जेंट? अनंत को ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई? रित, हम खोल के देखें क्या? अरे जरा हम भी तो देखें कि अनंत को इतना क्या अर्जेंट बातें करनी है नव्या से। I'm sure लव लेटर ही होगा, खोल के देखते हैं। पागल है क्या? ये प्राइवेट बात है। नहीं रित, हम भी तो उनके प्राइवेट फ्रेंड्स है ना, खोलते हैं। अरे इसे क्या हो गया? यहाँ पे गलतफहमी है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शादी तोड़ने की बात कर रहा है? अमर सर, रित, मुझे लगता है कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ ना, ओए क्या हो रहा है? चेहरा तो देख तेरा, शादी का नाम सुनते ही बैंड बज गई तेरी। हेलो, बस हाँ या ना में जवाब देना। अनंत के साथ हो? हाँ। सुनो, कुछ मत कहना, सिर्फ सुनना। एक प्रॉब्लम है और एक प्लान भी है। सात बजे जुहू पार्क आ जाना, मेरा जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा।